हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तारासन से हम बात करते हैं बी ए पार्ट थर्ड। बी ए पार्ट थर्ड के अंतर्गत हमारा टॉपिक है विकास एवं मानवादी काव्य। तो विकास क्या है, इसके संबंध में हमने पहले भी चर्चाएं की थी। अर्थात तो विकास वांछित दिशा में होने वाला एक परिवर्तन है जिसका माप संभव हो, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जो परिवर्तन जिसका माप संभव है, अर्थात भौतिक वस्तु और भौतिक दिशा में होने वाला परिवर्तन ही विकास कहलाता है। विकास एक गुणात्मक परिणाम न होता कि परिमाणात्मक होता है, जो ऊपर के नीचे की ओर जो भौतिक वस्तु में या भौतिक दिशाओं के अंतर्गत अभौतिक वस्तु में विकास को मापा नहीं जा सकता, वो गुणात्मक होता है। तो सबसे पहली बात है कि विकास की अवधारणा या विकास की परिभाषाओं के संबंध में सबसे पहले हाबाउस ने दिया है, इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है कि किसी समुदाय का विकास उसकी मात्रा, कौमन कार्यशीलता, स्वतंत्रता एवं सेवाओं पर वृद्धि है। अर्थात जब किसी समाज, किसी समुदाय या लोगों के अंतर्गत जब विकास होता है तो विकास उसकी कार्यक्षमता, इसकी स्वतंत्रता और उसकी मात्रा इत्यादि परस्पर वृद्धि से माना जाता है। इसी बात को दूसरी परिभाषा के रूप में योगदृष्टि से कहते हैं कि किसी समाज के सदस्यों में वांछनीय दिशा में, किसी समाज के सदस्यों के अंतर्गत तो वांछनीय दिशा में नियोजित ढंग से होने वाला परिवर्तन विकास है। और तीसरी है इस कौर के अनुसार कि माप के पैमाने निश्चित ढांचे में परिवर्तन, माप के पैमाने के निश्चित ढांचे में परिवर्तन आना ही विकास कहलाता है। मैडेल कहता है किसी भी समाज में विचार, किसी भी समाज की विचारधारा, मैडेल किसी भी समाज की विचारधारा में जब वांछित दिशा में परिवर्तन होता है तो वो विकास कहलाता है। और इसके साथ ही जब वो किसी समाज या किसी समुदाय या किसी समूह के लोगों में उचित दिशा में नियोजित ढंग से भौतिक वस्तुओं के अंदर जिनका माप संभव है उन दिशाओं में वृद्धि या बदलाव अथवा परिवर्तन ही विकास कहलाता है। अर्थात विकास एक परिवर्तन है जो किसी समाज की वांछनीय दिशा में नियोजित ढंग से गुणात्मक से मात्रा तक परिवर्तन में जिसका माप संभव होता है वह विकास कहलाता है। इसी परिभाषाओं के आधार पर उपयुक्त रूप से हमें स्पष्ट करते हैं कि विकास एक दिशा है जो नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, जो वांछनीय नियोजित ढंग से किसी वस्तु के अंतर्गत उसका विस्तार, उसमें परिवर्तन आना विकास है। लेकिन साथ ही हम विकास की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसको सभी जगह, सभी वस्तुओं में, सभी कालों में देखा जा सकता है। कि दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा समाज नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं देखा जा सकता, उसमें गति नहीं देखी जा सकती। अच्छा, जिस प्रकार से उसने बताया कि मानव का भी विकास हुआ है, समाज का भी विकास हुआ है, ये मानव का विकास धीरे धीरे अनिश्चित निश्चितता की ओर, अदृश्य से दृश्यता की ओर, नीचे से ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन कि कहाँ एक मानव किसी अवस्था में, एक जंगली अवस्था में था और आज धीरे धीरे विकास के स्तर पर चंद्रमा पर पहुँच गए हैं। तो ये हमारा क्या है विकास, जो कि नीचे से जंगली अवस्था से किस सब मानव रूप में एक निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर की ओर विकास हुआ, वो हमारा जो परिवर्तन हुआ वो विकास है। इस आधार पर कि विकास किसी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक दिशा में, सभी जगह होता है या दिखाई देता है, इसलिए विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक मिश्रित प्रक्रिया है, अर्थात इसका किसी किसी क्षेत्र से अपना संबंध होता है। आदिम अवस्था, अपेक्षित अवस्था, विकासशील अवस्था, कमी अधिक मात्रा में विकास अवस्था, और इसका किसी न किसी संबंध, अर्थात पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति दो के मध्य में जिसकी तुलना कर सकते हैं, इसलिए विकास को मिश्रित माना गया है। कल्याणकारी परिवर्तन
विकास में हमेशा समाज के कल्याण की भावनाएं निहित होती है। विकास के अंतर्गत हमेशा समाज के कल्याण की भावनाएं निहित होती हैं कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों का विकास, बच्चों का विकास, समाज का विकास, सभी में कल्याणकारी भावनाएं निहित होती हैं। कि भारतीय समाज में जनजातीय पिछड़े वर्ग समुदाय समूह के लोग जो समाज में पिछड़े हुए हैं उनको उस दशा से ऊपर उठाने के लिए जो समाज में जो वृद्धि की है, जो परिवर्तन आया है, वो हमारा विकास है। इसलिए विकास में हमेशा समाज की कल्याण की भावनाएं निहित होती हैं। समाज के लोगों को विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, परिवर्तन लाया जाता है, तब जाकर विकास होता है। मूल्यधारित अवधारणा कि विकास में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, कम या अधिक मात्रा में आता अवश्य विकास, लेकिन किस दिशा में कितनी मात्रा में कब हुआ इसका कोई अनुमान लगाना इसका कोई मूल आधार नहीं है। समाज सापेक्ष अवधारणा कि विकास का संबंध हमेशा किसी न किसी समाज किसी भौतिक वस्तुओं से होता है जिसके माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। विकास में माप संभव है अर्थात किस दिशा में कितनी मात्रा में होता है हम विकास को एक दृष्टि से माप सकते हैं। मापने की दृष्टि से देखा जाए तो विकास भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत, भौतिक सुख सुविधाओं के अंतर्गत की जाने वाली वृद्धि ही विकास के अंतर्गत आती है। उत्तरोत्तर अर्थात विकास की निश्चित दिशा होती है उत्तरोत्तर एक क्रम के बाद दूसरा क्रम नीचे से ऊपर की ओर क्रमबद्ध तरीके से हमेशा विकास गति करता है। उत्तरोत्तर अर्थात एक के बाद एक हमेशा विकास की। अब जैसे हम बात करते हैं मानव की आदर्श कौटिल्य मानव विकास के जो तीन स्तर बताए थे वो है धार्मिक तात्विक अवस्था और प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अवस्था। तो इस प्रकार से मानव में जो विकास हुआ, समाज के अंतर्गत जो विकास हुआ वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उत्तरोत्तर होता जाता है, क्रमबद्ध तरीके से होता जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बात पर उल्लेख किया कि मानव ने एक जंगली अवस्था में था, फिर उसने पशुपालन कार्य किया, फिर उसने किसी अवस्था में आया, फिर उसके बाद औद्योगिक अवस्था में आया और उसके बाद उत्तर औद्योगिक अवस्था में आया। तो विकास हमेशा एक क्रम से दूसरे को, एक स्तर से दूसरे को नीचे स्तर पर गति करता है, इसलिए विकास हमेशा उत्तर होता है। लौकिक दिशांतर हमारे यहाँ पर समस्त दुनिया की जो वस्तु है एक है लौकिक, एक है अलौकिक और अलौकिक का संबंध हमारे धर्म से है, परंपरा रीति रिवाजों से है, लेकिन जो विकास का जो संबंध है वो अलौकिक से ना होकर के लौकिक से है। जैसे कि लौकिक और अलौकिक दृश्य अदृश्य, अलौकिक का संबंध अदृश्य से है, आत्माओं से विचारधाराओं से है, परंपराओं से नैतिकता से है, जबकि लौकिक का संबंध हमारी भौतिकता से है अर्थात भौतिक वस्तु भौतिक दिशा में होने वाला परिवर्तन ही विकास कहलाता है। इसलिए हम विकास को एक लौकिक अवधारणा मानते हैं ना कि अलौकिक। अलौकिक का संबंध हमारे विचारधारा और धर्म से नैतिकता से हो जाता है जो गुणात्मक होता है, जबकि लौकिक का जो संबंध होता है वो हमारी भौतिक वस्तु से होता है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, जो कि सुख सुविधाओं की दृष्टि से व्यक्ति ने अपने का निर्माण किया है, जिनको हम माप सकते हैं, छू सकते हैं। दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति ने अपने जो यंत्र का निर्माण किया है वो हमारी अलौकिक है और इस दिशा में होने वाला परिवर्तन ही विकास कहलाता है। अवांछित दिशा में परिवर्तन अर्थात परिवर्तन की एक दिशा होती है जो कि अवांछित दिशा से अवांछनीय परिवर्तन की ओर चलता है। इस आधार पर हम विकास की जो और विकास हमेशा तुलनात्मक होता है, विकास हमेशा तुलनात्मक होता है जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब गति करता है तो पूर्व की स्थिति वर्तमान की अवस्था में हम तुलना कर सकते हैं ताकि उस विकास का अनुमान लगा जा सकता है। उस आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि विकास मापनीय भी है कि किस दिशा में कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ इसको हम साक्षात रूप में देख सकते हैं, जो माप सकते हैं उसका आकार होता है। मापने का जो आधार है
वो संख्यात्मक होता है, परमात्मक होता है, ना कि गुणात्मक। और गुणात्मक ना होने के कारण, संख्यात्मक और परमात्मक होने के कारण हम विकास को माप सकते हैं। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, जिसका माप संभव है, जो संख्यात्मक रूप में होता है। विकास की भौतिक और आवर्तिक दो अवस्थाएं हैं, एक तो रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता इत्यादि क्षेत्र में जो विकास होता है वो आवर्तिक होता है, और जिनका माप संभव है वो भौतिक दिशा में परिवर्तन होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर जो गति करने वाली जो व्यवस्था है वो विकास है। इसलिए विकास एक निश्चित और वांछित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। विकास की एक निश्चित गति भी होती है, विकास की निश्चित गति भी होती है, जो नियोजित ढंग से योजना बनाकर किसी समाज या किसी समुदाय के अंतर्गत विकास जो किया जाता है वो परिवर्तन है, उसको हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। तो इस आधार पर हम बस इतना ही बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट।